चलिए आज बनाते हैं परवल से बनी बहुत ही बढ़िया रेसिपी। आज हम बनाएंगे परवल की चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है। फुल वीडियो देखिएगा। यहाँ पे लिया है मैंने 5 परवल, फॉर्क की मदद से मैंने इसको छेद लिया है। आप लोग चाहो तो चाकू की मदद से इसे छेद सकते हो। क्या करेंगे, गैस मीडियम आँच पे करेंगे, उस पर रखेंगे जाली, उस पर परवल, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है, पलटते रहिएगा, नहीं तो एक ओर से जल जाएगा और एक ओर से ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे मिर्च भून चुका है, मैंने निकाल लिया है। लहसुन भी भून चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। देखिए लहसुन भून चुका है, टमाटर भी हमारा पक चुका है अच्छे से, इसे भी निकाल लेंगे। परवल भी पक चुका था, मैंने निकाल लिया है। एल्युमिनियम फॉइल मैंने लिया है, उसमें क्या किया है, इसको अच्छे से लपेट कर रख दिया है। इससे ये होता है ना, इसका छिलका अच्छे से निकल जाता है। आप चाहो तो पॉलिथीन में भी इसे रख सकते हो। यहाँ पे लहसुन को हमने छील लिया है। अब मैंने 20-25 मिनट बाद इसको अच्छे से अब खोल लेंगे, अब इसका छिलका निकाल लेंगे। गरम गरम ही इसमें हमें इसको हमें पैक कर देना है। हल्का हल्का सा छिलका निकालना है जो जल चुका है, पूरा छिलका निकालना ज़रूरी नहीं है। अब इसका बीज हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 2-3 का बीज मैंने निकाल लिया है और ऐसे ही मैंने पीस लिया था। बीज निकाल लेंगे। अगर आपको बीज अच्छा नहीं लगता है चटनी में तो आप पीस सकते हो, निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे है धनिया लिया है मैंने, लहसुन, मिर्च और परवल, टमाटर को मैंने काट लिया है, इसका छिलका उतार के नमक डाल देंगे। अब इसको मिक्सर जार में डालेंगे और पीस लेंगे, बारीक पीस लेना है हमें। देखिए पीस चुका है। थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अब ये मैंने बीज जो निकाला था वो डाल देंगे। सरसों का तेल डालिएगा। आपकी चटनी बन के रेडी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।